नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गाइड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन आर्मी की बड़ी भर्ती के बारे में। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, यदि आप 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है इंडियन आर्मी में, यानी कि भारतीय सेना में। दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है। कैटेगरी के नाम इस प्रकार से है दोस्तों: सोल्जर जनरल ड्यूटी IDG, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और इसके अलावा दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन की भी भर्ती होनी जा रही है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 8वीं पास या 10वीं पास या 12वीं पास। और जहाँ तक आयु सीमा की बात है तो आपकी एज 17.5 साल से 21 साल और 17.5 साल से 23 साल तक होनी चाहिए। दोस्तों, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताऊँगा। और इसमें वेरियस वैकेंसी है दोस्तों, सैलरी आपको एज पर रूल्स दी जाएगी। इस भर्ती में कोई फीस नहीं है दोस्तों। जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, और फिर उसके बाद दोस्तों आपका रिटर्न टेस्ट होगा। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले ही चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, इस सामने रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि कैटेगरीज वाइज क्या क्या क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है दोस्तों इस भर्ती के लिए। दोस्तों, पहली कैटेगरी है सोल्जर जनरल ड्यूटी और दूसरी कैटेगरी है सोल्जर जनरल ड्यूटी IDG। इन दोनों कैटेगरी के लिए दोस्तों एज लिमिट है 17.5 साल से 21 साल, और कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1999 से लेके दोस्तों 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए। इसमें दोनों दिन शामिल है दोस्तों। जनरल ड्यूटी के लिए हाइट होनी चाहिए कम से कम 163 सेंटीमीटर और IDG के लिए 157 सेंटीमीटर की कम से कम हाइट होनी चाहिए। दोस्तों, दोनों कैटेगरी के लिए दोस्तों वेट होना चाहिए 48 kg कम से कम, और चेस्ट होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर। दोस्तों, आपको बता दूं कि सभी कैटेगरी के लिए वेट 48 kg होना चाहिए कम से कम, और 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए दोस्तों, और सभी में 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन एप्लीकेबल है। दोस्तों, जहां तक इन दोनों कैटेगरी के लिए एडुकेशन की बात है तो कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए, और 10वीं में दोस्तों आपके इन एग्रीगेट 45% मार्क्स होने चाहिए। सभी सब्जेक्ट में दोस्तों 33% मार्क्स होने जरूरी हैं। दोस्तों, अगली कैटेगरी है सोल्जर टेक्निकल। इस पोस्ट के लिए दोस्तों एज लिमिट है 17.5 साल से 23 साल, और कैंडिडेट का जन्म दोस्तों 1 अक्टूबर 1997 और 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए। इसमें भी दोनों दिन शामिल है दोस्तों, और कम से कम हाइट होनी चाहिए कैंडिडेट की 163 सेंटीमीटर। दोस्तों, इस कैटेगरी के लिए जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, और आपकी जो इन एग्रीगेट परसेंटेज है दोस्तों 50% होना जरूरी है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने जरूरी हैं। दोस्तों, अगली कैटेगरी है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की। इस कैटेगरी के लिए भी दोस्तों एज लिमिट 17.5 साल से 23 साल रखी गई है, और इसके लिए भी दोस्तों कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए। हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए कैंडिडेट की। और जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, और कम से कम आपकी जो इन एग्रीगेट परसेंटेज है 50% होना जरूरी है दोस्तों, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने जरूरी है। दोस्तों, इस कैटेगरी के लिए अल्टरनेट क्वालिफिकेशन है कि कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश, और आपकी जो इन एग्रीगेट परसेंटेज है दोस्तों 50% होना जरूरी है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने जरूरी हैं।
दोस्तों अगली कैटेगरी है सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इस कैटेगरी के लिए भी दोस्तों एज लिमिट 17.5 साल से 23 साल है दोस्तों। और कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2003 के बीच होना चाहिए दोस्तों। इसमें 162 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए दोस्तों कम से कम। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो कैंडिडेट 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में दोस्तों आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो इन एग्रीगेट परसेंटेज है दोस्तों 60% होना जरूरी है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने जरूरी है दोस्तों। और इंग्लिश, मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग में दोस्तों आपकी 12वीं में 50% मार्क्स होने जरूरी है दोस्तों, ये मैंडेटरी है। दोस्तों अगली कैटेगरी है सोल्जर ट्रेड्समैन, ये 10वीं पास के लिए दोस्तों। और उसके बाद की कैटेगरी है सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए दोस्तों। इन दोनों कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 17.5 साल से 23 साल। कैंडिडेट का जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेके दोस्तों 1 अप्रैल 2003 के बीच होने चाहिए। हाइट चाहिए कम से कम दोनों कैटेगरी के लिए 163 सेंटीमीटर। और दोस्तों जहाँ तक सोल्जर ट्रेड्समैन 10वीं पास के लिए दोस्तों, कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए सिंपल। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों अगली जो कैटेगरी है दोस्तों 8वीं पास के लिए, कैंडिडेट 8वीं पास होना चाहिए सिंपल। और आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने जरूरी है। दोस्तों इस भर्ती के लिए जाता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात है दोस्तों, तो इसमें 1.6 किलोमीटर की दोस्तों दौड़ होगी। ग्रुप ए में दोस्तों 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। और ग्रुप टू में दोस्तों 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक दोस्तों पूरा करना है। साथ ही साथ बिम पुलअप्स, 9 फीट डिप्स और जिग जैग बैलेंस को भी दोस्तों आपको क्वालिफाई करना है। दोस्तों जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं दोस्तों उनका मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों। और जो कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट पास कर जाते हैं दोस्तों उनका सीई होगा यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, यानी कि रिटर्न टेस्ट होगा। इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इस भर्ती के लिए जब आप रैली में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं दोस्तों, इसका डिटेल पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है। इसका डिटेल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों कोविड-19 से रिलेटेड एडवाइज और इंस्ट्रक्शंस पॉइंट नंबर 8 में दे रखे हैं दोस्तों। आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं दोस्तों, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती होनी जा रही है उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों। कुछ जो जिले हैं दोस्तों उनके लिए भर्ती होनी जा रही है। और डिस्ट्रिक्ट के नाम इस प्रकार से हैं दोस्तों, ये भर्ती होनी जा रही है उत्तरकाशी के लिए, चमोली के लिए, टिहरी गढ़वाल के लिए, पौड़ी गढ़वाल के लिए, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और देहरादून के कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों ये भर्ती होनी जा रही है। और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है दोस्तों। इसकी डेट्स हैं 5 नवंबर से लेके 4 दिसंबर 2020। सभी कैंडिडेट को दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जिन कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा दोस्तों उनको जरूरी है कि वो दोबारा से दोस्तों इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि जो पहले की नोटिफिकेशन है दोस्तों वो कैंसिल हो चुकी है। इसमें लिखा है ड्यू टू पोस्टपोनमेंट ऑफ रैली, तो दोस्तों इसलिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और दोस्तों ये जो आर्मी रैली है ये होगी दोस्तों VC GVS कैंप कोटद्वार में। इसके डेट्स है दोस्तों 20 दिसंबर 2020 से लेके 2 जनवरी 2021 तक। और जहाँ तक दोस्तों एडमिट कार्ड्स की बात है तो आपको एडमिट कार्ड दोस्तों ईमेल के थ्रू भेजे जाएंगे 5 से लेके 6 दिसंबर 2020 तक दोस्तों। इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये था सो डिटेल इस भर्ती का। और इन केस आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, ये अनिवार्य है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।